नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। श्रद्धा तथा विरोधी शक्तियाँ, फेथ एंड हॉस्टाइल फोर्सेस। श्रद्धा तथा विरोधी शक्तियाँ, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कई बार एक्चुअली हॉस्टाइल फोर्सेस, ये तो आक्रमण तो चलता ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होता है। आप बोलते हैं कि श्रद्धा बनाए रखने से ये शक्तियाँ का ये प्रभाव कम हो जाएगा, इट विल बी नलिफाइड, पेरिस, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये तो इतना ज़्यादा शक्तियाँ, हॉस्टाइल अटैक होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कैसे श्रद्धा रखें। लेकिन कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। दिस इज अ फैक्ट ओरिजिनली, वही है सत्य। तो इनिशियली पहले क्या होता है, जैसे हमको लगता है द डार्क एडवेंचरर सीम टू विन, जैसे लगता है ये लोग सब जीत जाते हैं और हम हार जाते हैं, और जीतने से हमारा जीतने का कोई चांस ही नहीं है। ये हर दिन जीतते हैं और हम हर दिन हारते हैं। लेकिन स्थितियाँ बदल चुका है, माँ जी के आने के बाद, प्रभु की मैनिफेस्टेशन के बाद, ये दोनों का दैत्य अवतार लेने के बाद, ये स्थितियाँ सब बदल चुका है। एक संदेश श्री अरविंदो जी के में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। भागवत शक्ति में अपना विश्वास बनाए रख, जमाए रखें। भागवत शक्ति में अपना विश्वास जमाए रखें, अपने मन को शांत रखें और श्री माँ की शक्ति के को कार्य करने दीजिए। दो, भागवत शक्ति में अपना विश्वास रखो, अपने मन को शांत रखो और माँ की शक्ति को कार्य करने दो। दैट इज व्हाट इनिशियली ऐसे ही लग, पहले 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 चरण में ऐसे लगेगा हम हार जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं, कुछ हमारे लिए बचता ही नहीं, जितने का कोई दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। जैसे आपको याद होगा, इसी टाइम में आपको यह लगेगा, नाइट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द डॉन, जब सुबह आता है ना, इससे पहले जो रात का स्थिति बहुत भयानक है, डार्केस्ट, अंधेरा में छाए हुए हैं बिफोर द डॉन। लेकिन डार्केस्ट का मतलब संपूर्ण घनता में भरा हुआ है, इसका मतलब थोड़ी देर के बाद सुबह आने वाला है। तो दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर, नाइट इज द डार्केस्ट साइन, नाइट डार्केस्ट बिफोर द डॉन। विंटर इज द श्योरेस्ट साइन दैट स्प्रिंग इज कमिंग, ठंडा मौसम, ठंडे का मौसम जो पड़ता है बिल्कुल हिला देता है, कंपन आ जाता है, हम सोच नहीं पाते हैं क्या होगा। लेकिन कोई कोई आनंद में हंसने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला वो है ऋतुराज वसंत। तो वही है, दैट इज द सिनेरियो। जब आप देखते हैं धुआं चारों तरफ बहुत घना होते जा रहे हैं, इसका मतलब देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, जरूर कुछ देर के बाद आपका जिंदगी में रोशनी आने वाला है, तो क्यों दुख करते हो। तो अभी श्री अरविंदो बोलते हैं, ये जो श्रद्धा और विरोधी शक्तियाँ, लेकिन इसको जाने से पहले इट विल ए शॉर्ट एनालिसिस, छोटा सा विश्लेषण करेंगे, ब्रीफ, संक्षिप्त भावधारा में। श्री अरविंदो का जो इंटीग्रल योगा, ये योगा को डिफरेंट तरीका से आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, योगा, दिस योगा, आवार योगा, हमारा योग, इंटीग्रल योगा, सुप्रामेंटल योगा, पूर्ण योग, योगा ऑफ समर्पण, सरेंडर, समर्पण का योगा, और योगा ऑफ सुप्रामेंटल योगा, अतिमानस की योग, विभिन्न तरीके से, विभिन्न वर्डिंग में, शब्दों में श्री अरविंदो इसको समझाते हैं। और हमको भी यही संदेश आता है, हम कई बार आलोचना भी कर चुके हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए जो हिंदी ये वर्सन में आपको ये कम
आपका पास ये जो मैसेज कॉम पहुंचा होगा, शायद हमारा थ्रू अस, लेकिन हम कई बार आलोचना कर चुके हैं, मे बी इन हंड्रेड्स, सौ 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 बार ऐसे कुछ हमने आलोचना कर चुके हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन ऑफ कोर्स फ्री एनालिसिस, बड़े बड़े आलोचना भी, एक घंटा दो घंटा का आलोचना भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये योग को अगर हम थोड़ा समझ पाएंगे तो इसको जान लेना चाहिए, पहले योग करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए। श्री अरविंदो जी बोलते हैं, दाउ मे मस्ट मे फाइंड दाई सेल्फ इन द सिंगल इन द एम्बियस, ये जो आक्रमण है ना, ये जो संघर्ष चल रहा है, अकेले खड़ा हुए दिखाई देंगे, जैसे अभिमन्यु चक्र अभी हमें सप्तरथियों के बीच में खड़ा हुआ था, दाउ मे फाइंड दाई सेल्फ अलोन इन द एम्बियस, अकेला खड़ा ही होता है, होता हुआ दिखाई देंगे, द डेमन्स आर फ्यूरियस, जैसे सप्तरथियों ने मिल के अभिमन्यु जैसे छोटा बच्चे को आक्रमण करते हैं, वही योग का जो चक्र भी हो, योग का साथ जाने से ऐसे ही हमको भी सामना करना पड़ेगा। गॉड्स आर वी अनविलिंग अबव, जैसे अभिमन्यु के लिए पिता को लेके माता माम और श्री कृष्ण जो मामा थे, वो कहीं दूर युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर दूर काफ़ी जानते हुए भी कुछ घटने वाला है, कुछ होने वाला है, चले गए थे। तो ऐसे ही यही होगा, गॉड्स आर अनविलिंग अबो, आप सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे लेकिन दे आर अनविलिंग, अनिच्छुक। तो इसी को जानते हुए हमने अगर प्रवेश कर लिया चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह क्यों बोलता हूँ, इसी जो महाभारत का बहुत युद्ध थे, जो काफ़ी योद्धाएं, लेकिन अर्जुन से भी ज़्यादा, कर्ण से भी ज़्यादा, किसी अगर याद किया जाता है, किसी को अगर इतिहास याद करता है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में, तो जो योग करते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ सामना करते हैं, ये छोड़ो बकार की बात, ये बात छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए, भूल जाइए, लेकिन आप जो कर रहे जा रहे हैं, जैसे चक्र भी हमें आप और अभिमन्यु की तरह प्रवेश करते हैं, ये इसी बार नहीं, जन्मों से, और इसी बार भी आपका जन्म, ये प्रवेश खत्म नहीं होगा, ये जन्मों तक तो चलेगा, डोंट नो इसका खत्म अंत कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे हमको मोहब्बत कैसे रंग लाएगा, यह आपको पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है। और श्री अरविंदो ऐसे बोलते हैं, तुम्हें हमेशा ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि निम्न प्रकृति उभरने के की चाहे जितनी कोशिश करे, चाहे जितनी विरोधी प्रहार हो, विजय तुम्हारी होगी और रूपांतर सुनिश्चित है। बहुत बड़ी बात है, क्या बोलते हैं, हमेशा ये श्रद्धा रखनी चाहिए, यू मस्ट हैव द कंसिस्टेंट फेथ, श्रद्धा हमेशा यही रहने चाहिए, निम्न प्रकृति उभरने से चाहे जितनी कोशिश करें, आप इसको सप्रेस कर रहे हैं निम्न प्रकृति को, एज लॉन्ग एज द लोअर नेचर इज एक्टिव द पर्सनल एफर्ट ऑफ द साधक रिमेन्स नेसेसरी, द पर्सनल एफर्ट, इसको निम्न प्रकृति को हटा देना चाहिए, लेकिन ये तक एक बार पूरा पेरिस ना करने तक, ये तो आप इसको सप्रेस करते हैं ये, और उठने कोशिश कर रहे हैं, वो करेंगे जरूर, जितनी कोशिश करें, सेकंड, चाहे जितने विरोधी प्रहार हो, भयानक जितने भी प्रहार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विजय तुम्हारी होगी और रूपांतर सुनिश्चित है। अभी हमने बिल्कुल आपको बोल चुके हैं, द डार्क एडवेंचरर सीम टू विन, जैसे प्रतियमान होते हैं वो लोग जीत जाते हैं, और ऐसे भी हम जब सरेंडर कर जाते हैं लोगों के पास, विरोधी शक्तियों के पास, वो तो बिना युद्ध में युद्ध किए बिना तो वो तो जीत जाते हैं, क्योंकि हम युद्ध क्षेत्र को नहीं जाते हैं, इसको सामना नहीं करते हैं, वो जब आते हैं तो हम सरेंडर कर लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन लोगों का विरुद्ध हम कोई अस्त्र नहीं उठाते हैं, फाइट नहीं करते हैं, संग्राम नहीं, लड़ाई नहीं, बिना लड़ाई में हम सरेंडर कर जाते हैं, वही तो हमारा बात, आज नहीं, काफ़ी दिनों से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वही चल आ रहा है, लेकिन ये बात जरूर सोचिए, विरोध का जितना प्रहार भयंकर क्यों ना हो,
और निम्नतर प्रकृति अपना उभरने के लिए जितनी कोशिश भी करे, एक चीज आपके पास जरूर ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ये विश्वास रहने चाहिए, श्रद्धा रहने चाहिए। विजय तुम्हारा होगा और विजय होने के बाद आपको तो जरूर सिंहासन तो मिलेगा। एस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन, और रूपांतर का कार्य जरूर होगा, तनिक संदेह ना करना। दैट फेथ श्रद्धा मस्ट जरूर बनाए रखना, यही बनाए रखने चाहिए। वो बोलते हैं फिर सेकंड पार्ट, प्रकाश के विजय में दृढ़ विश्वास रखो। विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन। प्रकाश, रोशनिया, आलोक, इसका विजय जरूर होगा, एक ना दिन एक होगा। अभी नहीं लगता है, चारों तरफ अंधेरा कालिमा, इससे लगता है प्रतियमान होता है, हार जाऊंगा, मिथ्याचार, दुनिया कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं देता है। ये इनिशियली आपको ऐसे प्रतीत होता है, लेकिन इसका पात भी साधना जब करते हो और जरूर करते हो, विश्वास रखो प्रकाश के विजय जरूर होगा। और जड़ भौतिकों की प्रति जो प्रतिरोधों तथा स्वयं मानव व्यक्तित्व की रूपांतर के प्रतिरोध का सामना शांत समचित्तता के साथ करो। अगर आता है फेस इट, फेस कामली विथ कॉन्फिडेंस, आता है तो जरूर करना पड़ेगा। आपका संपत्ति आप लेके जा रहे हैं, कोई इसको आता के इसको जबरन ले जाने के लिए, छीन लेने के लिए, आप इसको दे देंगे क्या? संग्राम करो, मरते दम तक संग्राम करो, लेकिन उधर मर जाने का संभावना बहुत है। ये क्या है? ये भौतिक चीज है, लेकिन इधर स्पिरिचुअलिज्म, यू विल नेवर पेरिश, दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर, एंड सर्टिट्यूड यही है, अल्टीमेटली आपका जीत जरूर होगा। तो इसी बारे में हम जब पढ़ते हैं तो एक बार आता है क्या कि जो होस्टाइल्स कैसे आता है, कैसे हमको पता चलेगा ये होस्टाइल? कभी कभी किसी ने पूछा, वो सारे होस्टाइल फोर्स, मेरा चारों तरफ होस्टाइल फोर्स है। मैंने हंसने लगा, क्या होस्टाइल फोर्स भाई, हॉस्टाइल फोर्स क्या है ना? वो हॉस्ट कौन है? वो है हॉस्टाइल फोर्स, ये है हॉस्टाइल फोर्स, ये है हॉस्टाइल फोर्स, ये है हॉस्टाइल फोर्स, वो है हॉस्टाइल फोर्स, वो उधर खड़ा है, वो हॉस्टाइल फोर्स। तो बाद में मुझे लगा, इसी को छोड़ में जो इसका एनवायरनमेंट में चारों तरफ जो खड़े हैं सारे हॉस्टाइल फोर्स, और ये एक ही ये डिवाइन फोर्स। तो मैंने सोचा माँ जी के एक मैसेज पढ़ दूँ और इसको समझा दूँ। जैसे आप चहन ये चश्मा पहने हुए हो, दुनिया का रंग ऐसे ही प्रतीत होता है। अगर किसी में आप करदम देखते हो, कुछ बुराई देखते हो, तो इसका मतलब बुराई उधर नहीं है, अपना अंदर ही है, आप देखते हो दिस रिफ्लेक्शन, परफेक्ट रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो, तो छोड़ दीजिए। तो ये क्या है? श्री अरविंदो जी समझा बोलते हैं, द सजेशन ऑफ एब्सोल्यूट सीक्रेसी, किसी के मिलना नहीं, किसी को बोलना नहीं, एब्सोल्यूट सीक्रेसी, इसका जो सजेशन प्रस्ताव आता है, इज अपन ट्रिक ऑफ द एस्ट्रल पावर्स टू प्रिवेंट सीकिंग ऑफ द फॉर एनलाइटनमेंट एंड सक्सेस। शक्कर, ये बोलते हैं मत जाओ, सीक्रेट रखो, अपने आप में रखो, घर घर से निकलो मत। इसी का मतलब ये प्रिवेंट द सीकिंग, आपको बारण कर दिया किया जाता है, आपको रास्ता में राहों में जा साधना करने के लिए अनुप्रेरित करने बगैर वह आपको निरुत्साहित किया जाता है। एनलाइटेनमेंट एंड सकर, फिर श्री अरविंदो जी और एक बात बोलते हैं, इवन एन अनइगोइस्टिक वर्च्यू और डिवाइन गुड एंड लव एंटरिंग द वर्ल्ड अवेकेंस हॉस्टाइल रिएक्शन। जब वो शक्ति, वो ज्योति, वो आनंद जब ऊपर से परा जगत से नीचे आते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ रिवोल्ट रिएक्शन, हॉस्टाइल रिएक्शन वो आने नहीं देते हैं। ये अगर आ जाएंगे तो ये बस नीचे निचला शक्ति का काम खत्म हो जाएगा, तो ज्योति के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आने से पहले ना रहेगी बांस ना रहे बाजेगी बांसुरी, इसको हटा दो बस काम खत्म हो जाएगा। तो श्री अरविंद जी बोलते हैं, भले बहुत ज़्यादा अधिक अंधकार हो, डार्केस्ट डेंसेस्ट डार्कनेस, और ये जगत उसमें भरा हुआ, जहाँ भी देखो अंधेरा अंधेरा, बिल्कुल अंधकार में घिरा हुआ है, मनुष्य का भौतिक मन भी उसमें लबालब है, माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड, लबालब है, फिर भी
फिर भी अनुतगत्या सच्चे प्रकाश की एक किरण जरूर आएगा, दैट रे रे ऑफ होप दैट रे विल कम। 10 गुने अंधकार पर भी विजय पा सकती है, अपन 10-fold डार्कनेस इसका ऊपर जरूर विजय लाएगा। इसी पर विश्वास रखो और हमेशा इसी से चिपके रहो, जरूर आएगा। और मुझे ये जो अंधेरा, ये जो घर काली माँ, ये जो तमिश्रा, इसमें जरूर बचाएगा, ये भरोसा रखिए। चलिए हॉस्टाइल फोर्स बजार बाउंड टू पेरिस, लेकिन क्या करना चाहिए, वही श्रद्धा, वही विश्वास, वही भरोसा, वही आस्था, दैट रिलायंस सर्टिट्यूड, ये जरूर रहना चाहिए। ये अगर आपका पास हो जाएगा तो आपका काम खत्म हो गया, जरूर होगा। 10-fold डार्कनेस, वो तो विरोधी करते हैं, विरोधी शक्ति का काम तो विरोध करना है, इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तो विरोध करेंगे, ये काम तो है विरोध करना, वो तो करते रहेंगे और करते रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट टू ए पॉइंट, इसी पर इसके बाद जो आएगा जो होगा इसका छूने से रिचेबिलिटी के बाहर हो जाएगा। भरोसा कर दीजिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, चलिए जरूर आपका विजय होगा, क्योंकि माँ जी का शक्ति, माँ की कृपा, माँ का गाइडेंस हमारा पास है, हम जरूर जीतेंगे, जीत जाएंगे हम, माँ अगर साथ है, माँ तो साथ ही है, जीतेंगे जरूर। चलिए धन्यवाद।